हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा। प्रिज्म कहते किसे हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच का जो मीडियम है वो मीडियम सेम है, और ये जो ए बी दिखाया गया है और ए सी, ये दोनों उस पदार्थ के दो पृष्ठ हैं। ये है प्रथम पृष्ठ और ये है द्वितीय पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि लाइट को जो है यही से इस पर इंसिडेंट कराया है। अब प्रिज्म की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहां पर हमको पढ़ना है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। इसके पहले अपवर्तन परावर्तन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें देख लीजिएगा, हम लोग डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट करने के लिए जो है सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि यह विचलन कोण क्या होता है, डेविएशन एंगल। देख लीजिए होता क्या है कि आप बात कीजिए कि अगर थोड़ी देर के लिए कोई पदार्थ सामने ना हो और कोई लाइट रे जो है इस तरह से आए, अगर ये प्रिज्म जो दिखाया गया है, अगर कहीं प्रिज्म हो, इस तरह से मान लेते हैं कि प्रिज्म है, तो ये इस तरह से किरण हमको मिलती है, जो आउटपुट रे मिलती है कुछ इस तरह से मिलती है। इस रे को जो है हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। अब यहां से देख लीजिए, अगर यही पदार्थ ना होता तो इसका अपवर्तन नहीं होता, और जब अपवर्तन नहीं होता तो ये किरण जो है ये सीधे ऐसे निकल जाती, और जब सीधे निकल जाती तो ये किरण हमको नहीं मिलती। लेकिन प्रिज्म रखने के कारण इस तरह से हमको एक रे और मिल जाती है। जब एक रे ये और हमको मिल जाती है तो हम देखते हैं कि पहले के सापेक्ष कितना इस किरण के बीच विचलन हो गया, कितना कोण ये किरण जो है और घूम गई है। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ ऐसे ले जाएं तो देखते हैं, जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये कितना एंगल घूम गया, ये कितना एंगल। तो यही वाला जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम लोग नाम देते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल। और एक चीज, अल्पतम विचलन कोण का नाम आता है। अल्पतम विचलन का क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, ये देख लीजिए आपका एक प्रिज्म दिखाया गया है ए बी सी, और इस प्रिज्म में जो है पी क्यू आर एस प्रकाश की किरण को प्रदर्शित किया गया है। यहां पर पी क्यू रे जो दिखाई गई है ये अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु Q पर आपतित होती है। अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु AB, बिंदु Q, अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है। ध्यान दीजिए अपवर्तक पृष्ठ का नाम आ रहा है। अपवर्तक पृष्ठ है क्या चीज? जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया AB और AC, यहां से भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। अब यहां पर बिंदु Q पर ये इंसिडेंट हो रही है लाइट, इस पर देख लीजिए एक हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं एन क्यू ई, ये एक अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। और ये किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में इंटर करती है तो ये अभिलंब की तरफ कुछ झुक जाती है और झुकने के बाद दूसरे पृष्ठ एसी के बिंदु आर पर पड़ती है और यहां से पुनः मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो इसका पुनः रिफ्रेक्शन होगा और रिफ्रेक्शन होता है इसके लिए जो है ये जो अंदर वाला इंसिडेंट एंगल मान रहे हैं हम लोग आर डैश और यहां पर इमर्जेंट एंगल जो ले रहे हैं वो आई डैश मान लेते हैं। अब यहां पर इंसिडेंट एंगल को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, इनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग लिखते हैं डेल्टा। लिखते हैं किससे? डेल्टा से। डेल्टा का मतलब है विचलन कोण। विचलन कोण को डेल्टा से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए, हम लोग डेरिवेट करने के लिए ले लेते हैं त्रिभुज क्यू डी आर। त्रिभुज क्यू डी आर, क्यू डी आर में हमको क्या मिलता है? क्यू डी आर, ये देख लीजिए एंगल आपका पूरा कितना है आई, ये कितना है आर, रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल, और ये पूरा एंगल कितना होगा वर्टिकल एंगल से फीर्षाभिमुख कोण आई। अगर ये पूरा कोण आई हुआ, ये कोण आर है, तो ये इतना कोण क्या होगा आई माइनस आर, तो इसको लिख लेते हैं कितना आई माइनस आर। और ठीक इसी तरह से ये आई डैश है, ये आर डैश है, तो ये कोण कितना होगा आई डैश माइनस आर डैश, ये कोण आपका हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश मिलेगा ये इतना कोण। अब देख लीजिए अगर त्रिभुज हम लोग लिए हैं क्यू डी आर, तो क्यू डी आर में हमको क्या मिलता है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, बहिष्कोण है डेल्टा। अगर डेल्टा बहिष्कोण है तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बराबर, लिख सकते हैं डेल्टा बराबर, डेल्टा बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन कर लेते हैं आर प्लस आर डैश, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। उसके बाद जो है हम लोग लेते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं क्यू ई आर, त्रिभुज क्यू ई आर, त्रिभुज क्यू ई आर, क्यू ई आर से हम लोग देखते हैं तो कोई भी ट्रायंगल होता है इसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश प्लस आर प्लस आर डैश प्लस दिस एंगल, और इसको हम लोग लिख लेते हैं E प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसको भी कोई इक्वेशन दे देते हैं, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हम लोग लेते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज लेते हैं A Q E R, A Q E R, A Q E R से हमको क्या मिल रहा है, ये देख लीजिए यन क्यू ई अभिलंब है। अगर ये अभिलंब है तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये इस पर अभिलंब है। अगर ये इस पर अभिलंब है तो बताइए ये एंगल कितना होगा टोटल 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और कोई भी चतुर्भुज होता है उसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360, और दो एंगल का मान कितना हो गया 180, दो एंगल बच रहा है कौन कौन ए और ई, ए और ई, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ई, ए प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा From equation second and first, second and third, इससे हमको क्या मिलता है?
आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू ए प्लस ई। यहां से हमको क्या मिलेगा, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। अब देख लीजिए समीकरण एक में आपको क्या मिला है, समीकरण एक में क्या मिला है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश और माइनस माइनस आर प्लस आर डैश। आर प्लस आर डैश के स्थान पे हम लोग कितना कर सकते हैं, ए, तो माइनस कितना हो गया ए। ये ध्यान दीजिएगा आई डैश है, ये जो ए है ए क्या है, प्रिज्म कोण। ए क्या है, प्रिज्म कोण। अभी आप लोगों को बताया गया था कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तक कोण कहते हैं। ये आपका जो इक्वेशन बन रहा है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका आता है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण क्या है, अल्पतम विचलन कोण का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा आई है, आई को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ये इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो डेविएशन एंगल है इसकी वैल्यू जो होती है वो घटती जाती है, और इसकी वैल्यू घटते घटते जो है इसकी वैल्यू अगर हम लगातार बढ़ाते जाएं तो इसकी वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन एक ऐसा निश्चित मान होता है इंसिडेंट एंगल का कि अगर हम और बढ़ाते जाएं तो इसकी वैल्यू पुनः बढ़ने लगती है। तो इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होती है, जो हमारा डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल की वैल्यू जो सबसे कम होती है उसी को जो है हम लोग कहते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में जो है आई बराबर होता है आई डैश के और आर बराबर होता है आर डैश के। और मान लेते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थित में हम लोग लिख लेते हैं आई बराबर आई डैश आर बराबर आर डैश और डेल्टा बराबर लिख लेते हैं डेल्टा यम। अब यहां पर देख लीजिए, अगर मान लेते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति हो तो अल्पतम विचलन की स्थिति में यहां पर जो हम लोग लिखे हैं डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो ये मान हमारा कितना हो जाएगा अल्पतम विचलन की स्थिति के लिए, डेल्टा के स्थान पर कितना लिखेंगे डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई डैश के स्थान पर भी हम कितना लिख सकते हैं आई प्लस आई कितना हो जाएगा टू आई माइनस ए। यहां से अगर आई का मान निकालेंगे तो देख लीजिएगा यहां पर 2i इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा m प्लस a और i का मान निकालेंगे डेल्टा m प्लस a बाई 2। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहां पर i बराबर डेल्टा m प्लस a बाई 2, ये हमारा मान मिला i का। आगे देख लीजिए i का मान जब मिल गया तो हमको एक समीकरण और यहीं पर मिला है r प्लस r डैश। अगर r प्लस r डैश मिला R प्लस आर डैश बराबर किसके मिला है A के मिला है, और जब R बराबर R डैश के है तो R प्लस R 2R 2R बराबर किसके A के, तो इस स्थिति में R बराबर कितने के मिलेगा A बाई 2 के। आगे हम लोग लिख सकते हैं स्नेल का नियम, आप लोग पढ़े होंगे स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम पढ़ चुके हो। स्नेल के नियम में आप लोग पढ़े हो कि सेकंड मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रेक्शन एंगल के ज्या के साइन के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। यन क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक,
और मान लेते हैं कि ये यन जो है किसका अपवर्तनांक है, प्रिज्म का, तो यन इक्वल टू ये हो जाएगा साइन आई, साइन आई, साइन आई का मान कितना मिला है कहीं पर देख लीजिए, आई का मान मिला है, आई का मान मिला है हमको डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और आर का मान कितना मिला है ए बाई टू, तो एन बराबर साइन आई के स्थान पर लिख लेते हैं यही वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान साइन आर, साइन आर के स्थान पर कितना, साइन आर के स्थान पर ए बाई टू, ये हमारा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक, अगर आप लोगों को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं। चलिए देखिए आगे इसमें, अब यहां पर पतले प्रिज्म की बात की जाए, पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र पूछा जाता है कभी कभी, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं देखिएगा, अगर ये प्रिज्म बहुत पतला होगा, ये प्रिज्म जो है बहुत पतला होगा, ए का जो मान है, जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण की वैल्यू बहुत कम हो, लगभग 5 अंश ऐसे आप कह सकते हो, 5 डिग्री 6 डिग्री इस तरह से, ये जो एंगल ए है ये बहुत कम हो, उस स्थिति में ये जो इंसिडेंट एंगल हमारा होगा, इंसिडेंट एंगल, और ये जो इमर्जेंट एंगल मिला है ये, या आप कह सकते हो रिफ्लेक्शन एंगल जो आर आपका होगा, वो भी बहुत कम होगा, और जब बहुत कम होगा उसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं साइन आर इक्वल टू आर, पढ़े होंगे आप लोग बेसिकली कि अगर एंगल बहुत छोटा हो उसको रेडियन में मेजर करें तो साइन थीटा बराबर थीटा के, तो इस यहां पर लिख सकते हैं साइन आर इक्वल टू आर, और एक चीज और साइन आई इक्वल टू किसके, आई के लिख सकते हैं, और हमको जो फार्मूला मिला है, फार्मूला हमको क्या मिला है, एम बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये हमको फार्मूला मिला है। अब यहां पर एम इक्वल टू, जब हम आई और आर को छोटा मान रहे हैं, हमारा प्रिज्म जो है वो बहुत पतला है, तो उस स्थिति में अगर साइन आर बराबर आर साइन आई बराबर आई के है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू इक्वल टू सिर्फ किसके बराबर, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के बराबर, और साइन ए बाई टू किसके बराबर होगा, साइन ए बाई टू बराबर किसके होगा, सिर्फ ए बाई टू के, इन दोनों से वैल्यू हम इसी समीकरण में पुट करेंगे। अब जब इस समीकरण में पुट करेंगे तो देख लीजिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिल रहा है आगे यन इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के स्थान पर कितना, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, और साइन ए बाई टू किसके बराबर, पतले प्रिज्म के लिए ए बाई टू के। अब देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला, यन बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई ए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा यन ए, यन ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, फिर यन ए, ए इधर आएगा माइनस माइनस ए के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा एम। चलिए ये बराबर हो गया किसके, डेल्टा एम के, डेल्टा एम के बराबर कर लेते हैं, डेल्टा एम बराबर देख लीजिए कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है ए, ए को कॉमन कर लीजिए कितना आएगा, एन माइनस वन इंटू ए, ये आपका मिला पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का।